मेरठ के कॉलेज में अभी रैगिंग का मामला शांत भी नहीं हुआ। इस वहां के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुछ दबंगों ने बीटेक के एक छात्र को बुरी तरह से पीटा। आरोपी विश्वविद्यालय में ही छात्र नेता है। पहले मेडिकल के छात्र की रैगिंग, दो दिनों बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट की पिटाई। मेरठ के कॉलेजों में आखिर ये क्या हो रहा है? छात्र नेताओं की गुंडागर्दी का शिकार बीटेक का ये छात्र अंकित पुंडीर है। सहारनपुर का रहने वाला अंकित मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है। विश्वविद्यालय में अपनी महिला मित्र से बात करना उसे भारी पड़ गया। यूनिवर्सिटी के ही कुछ दबंग छात्रों ने अंकित को उसकी दोस्त से बात ना करने की धमकी दी थी, लेकिन अंकित के ना मानने पर उन छात्रों ने उसका ये हाल कर डाला। इन दबंगों ने अंकित के शरीर पर चोट के इतने गहरे निशान दिए हैं कि पूरा शरीर काला पड़ गया है। उन्होंने पिस्टल विस्टल दिखाई, फायर वायर किए, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया, फिर वो मुझे उधर मैथ डिपार्टमेंट की साइड लेके उधर उन्होंने मुझे पीटा पीटा, फिर दोबारा फिर गाड़ी में गिर के वो मुझे LLB डिपार्टमेंट के बाहर गिर के चले गए। आरोपी छात्र अब अंकित को ही गलत साबित करने में जुटे हुए हैं और पुलिस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जबकि अंकित का कहना है कि छात्र नेता विजय रत्नम, विजय धामा, अरुण राणा, मंगेश त्रिपाठी, कर्मवीर और मोहित ने ही मिलकर उसकी पिटाई की है। इन इन लड़कों के नाम पे इन्होंने FIR करवाया है, जो कि यहाँ पे सक्रिय राजनीति में जो पूर्वांचल के हैं। ये जो चीजें कह रहे हैं वो चीज गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी हो तो हमारे सबके सामने, आपके सामने आके कहें वो चीज। आरोप ये भी है कि विश्वविद्यालय के इन छात्र नेताओं को स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता का भी साथ मिला है, जिससे ये बेखौफ होकर गुंडागर्दी करते हैं। यही नहीं, आरोपी छात्रों ने पुलिस अधीक्षक के सामने भी खूब हंगामा किया। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसने पूर्व घटित एक दिन पहले घटित घटना की सूचना इतना लेट क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सूचना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा कायम किया गया है अंडर सेक्शन 147, 147, 307 और उसमें कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने मारपीट का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई करने से बच रही है। दूसरी तरफ इस घटना को क्षेत्रवाद से भी जोड़ दिया गया है। मेरठ से इंडिया TV के लिए हेमा अग्रवाल की रिपोर्ट।